मेरा नाम सानविया। तो आज मैं एक शानदार रेसिपी के साथ आई हूँ, उसका नाम है मैगी डोनट। आप सोच रहे होंगे कोई स्वीट डिश होगी, पर ये एक चटपटा और क्रिस्प वाली डिश है, और ये बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने की सबसे अच्छा आइडिया है। इसमें ना जब आप वेजिटेबल्स डालोगे ना, बच्चों को कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसे आम आम करके खाई जाएंगे पूरा। मेरी मम्मी भी मेरे लिए ये ट्रिक करती है, आपको पता है, वेजिटेबल डालती थी, मुझे पता ही नहीं चलता मेरी मुझे जो वेजिटेबल पसंद नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स का नाम बोलती हूँ। ये एक स्पैटुला है और हरा धनिया। ये मैंने मैगी ली है, आप कोई भी मैगी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये वाली। और ये मैंने लाल मिर्ची पाउडर, चिली फ्लेक्स थोड़े से, और ये है सॉल्ट, ये और ये है चाट मसाला, ये सन ड्रॉप ऑयल, और ये कॉर्नफ्लावर, और ये एक्स्ट्रा स्पून है, और ये है रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, और ये है टमाटर, ये है ग्रीन कैप्सिकम, ये है प्याज, और ये है बॉय पोटेटोस। तो पहले हम लोग मैगी लेंगे और उसको क्रश कर देंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो मैं इसे ले लेती हूँ, कट कर लेती हूँ। अभी के लिए हमको टेस्ट नहीं करनी चाहिए, हम ये एंड में लेंगे। तो यहाँ को मैंने टू पैकेट लिए, पहले मैं एक को क्रश कर लेती हूँ। देखिएगा मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कर दिया इसको, ऐसे मैं दूसरा पैकेट कर लूंगी। लीजिएगा मैंने मैगी क्रश कर दी अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में। अब यहाँ पर मैंने पैन लिया है। मामा प्लीज कैन यू स्विच ऑन द गैस फॉर मी। Sure, one minute. थैंक यू मम्मा। अब मैं ये पूरी बाउल ऑफ मैगी एम बना फोर हंड्रेड, इसमें कोई ऑयल नहीं, कोई कुछ नहीं डालना, सीधा आप एक मिनट में ही आपको दिखने लग जाएगा कि इसका गोल्डन कलर आ गया है। मीनवाइल जब तक ये ड्राई रोस्ट हो रही है, तब तक मैं एक और पैकेट मैगी का ले रही हूँ, उसको भी क्रश कर दी, क्योंकि बाद में ये कोटिंग के काम आएगी। देखो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है, गोल्डन ब्राउन। तो फिर आप गैस को लो फ्लेम पर कर देना, जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो अब बारी हमारी वेजिटेबल्स की। चलो मैं वेजिटेबल डाल देती हूँ। पहले ग्रीन कैप्सिकम, अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। ये देखिएगा हमारी सब्जियां और मैगी पक भी गई है, सॉफ्ट भी हो गई है। अब देखो कितनी कलरफुल और सुंदर लग रही है। तो अब हमको इसमें डालना है मैश्ड पोटैटोस। अब देखो मैं धनिया ले रही हूँ, अब मैं आधा धनिया ले रही हूँ। अब हमको इसमें नमक, मिर्च डालने, और चिली फ्लेक्स अपने, और चाट मसाला,
क्या? मैगी मसाला यानी पेस्ट मेकर, जीरा पेस्ट मेकर, और हमने दो पैकेट मैगी के लिए थे इसलिए मैं दो पैकेट पेस्ट मेकर के भी ले ली। हम सारी मसाला सारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये देखिएगा हमारा ये मसाला तो रेडी हो गया। इसमें आलू की बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें 2-3 स्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी। अगर आपके पास ये देखो मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो घर में तो आप राइस फ्लोर भी डाल सकते हैं, आप पोहा को भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसको भी मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। अभी हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, अब हम इसको एक बाउल में ठंडा होने रखेंगे 10-15 मिनट्स के लिए। ये देखिएगा मेरा मिक्सचर अच्छा खासा ठंडा हो गया। अब मैंने ये पैन लिया है, देखो मैंने अब इसमें ऑयल डाल दिया, तलने के लिए मैं ऑयल को गर्म होने के लिए रख रही हूँ। तब तक हम लोग एक मिक्सचर की जैसे कि हम लोग टिक्किया बनाते हैं ना वैसे टिक्किया बनाएंगे। खाती हूँ ये देखिएगा मैंने इस पास से कट लिया। अब मैं जैसे कि टिक्की बनाते हैं वैसे करने हैं, थोड़ा सा लाइटली प्रेस, लाइट हैंड से, जितना लाइट हैंड होएगा उतना ही अच्छा शेप। देखो मैंने इसको थोड़ा सा टैप कर दिया, इसकी अच्छी शेप सर्कल बनाने के लिए हम इसको ऐसे रोल कर देंगे। बना ली है तो फिर अब मैं इस फिंगर से होल्ड करूंगी इसके बीच में। मैंने होल्ड कर दिया और ये दी इसकी स्लरी, मैंने इसमें मैदा डाला है और वाटर। अब मैं ये वाला अपना डोनट लूंगी, धीरे से बहुत सॉफ्ट होता है ना ये, ऐसे स्लरी के बीच में रख दूंगी और स्लरी को अच्छी तरह से अंदर डिप कर दूंगी और फिर हम लोग इसको ध्यान से बाहर निकालेंगे और इसमें और ये देखिएगा मैं ये थोड़ा सा हटा दूंगी। और अब मैंने ये कर दिया, ऐसे मैं बाकी भी तैयार कर दूंगी। ये देखिएगा कितना अच्छा लग रहा। अब देखिएगा मेरी मैगी डोनट्स रेडी हो गया है, अब मैं इसको फ्राई करूंगी। अब मैं इसे ये वाला भी डाल दूंगी। तो मीडियम फ्लेम पर तलने रखूंगी। हमारे ये रेडी हो गया है, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। ये मैंने ग्रीन चटनी ले लिया, तो अब मैं ये वाला डोनट लूंगी, इसको साइड में रख दूंगी। अब मैं दूसरा डोनट लूंगी। फैंसी प्लेटिंग के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। ये देखिएगा हमारा मैगी डोनट तैयार। मैं ये खा के देखूंगी।
ये देखिएगा अंदर से इतना अच्छा लग रहा है, बहुत गर्मा गर्म के साथ तो और अच्छा लगेगा। अब मैं खा के देखती हूँ। बहुत टेस्टी है बना, जरूर ट्राई करिएगा। बाय।